नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार और स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए लेके आए 2022 का नया कन्वर्टेबल 5-in-1 ट्विन कूलिंग के साथ रेफ्रिजरेटर, जिसकी कैपेसिटी है 324 लीटर। तो देखते हैं इसकी आउटलुक क्या, इसकी बिल्ड क्वालिटी है और क्या इसके अंदर आपको नए नए फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपने देखा इसकी आउटलुक बाहर से, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो देखी आपने। सारा डोर स्टेनलेस स्टील का है। अब बात इस करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स के अंदर जो इसके अंदर सबसे एडवांस चीज है, जो कि 2022 में नए मॉडल में आपको मिल रही है, कन्वर्टेबल 5-in-1 विद ट्विन कूलिंग प्लस। इसके अंदर क्या होता है, आप इस फ्रिज को 5 तरह से, अलग अलग तरीके से, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर सबसे पहला मोड होता है नॉर्मल मोड, जिसके अंदर आप फ्रिज को ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको आप एज ए फ्रीजर यूज कर सकते हो, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको आप एज ए फ्रिज यूज कर सकते हो। सेकंड है, जैसे आपके यहाँ पे कोई पार्टी फंक्शन था और आपके यहाँ पे सामान ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा फ्रिज की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपने करना क्या है, इसके अंदर एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए फ्रीजर कन्वर्ट। आपको ये बटन 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, और ये आपका जो ऊपर वाला फ्रीजर वाला पार्ट है ये फ्रिज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि आप ऊपर भी दूध, सब्जी या कोई भी ऐसा आइटम रख सकते हो जिसको फ्रीजर की जरूरत नहीं है। जो फ्रिज वाले पार्ट में आप रखते हो वो ऊपर भी रख सकते हो। इसी के साथ अगला इसके अंदर मोड आ जाता है सीजनल मोड, जिसके अंदर जैसे सर्दियाँ होती हैं उस टाइम आपको आइस की जरूरत नहीं पड़ती, तो उस टाइम आपका ऊपर वाला बॉक्स जो है वो वेस्ट हो जाता है, तो इस टाइम पे आप इसमें ऊपर वाले बॉक्स को ऑफ भी कर सकते हो। उसके लिए आपने जो ये बीच वाला बटन है कन्वर्ट करने वाला, इसको एक बार और दबाना है, अब ये ऑफ के ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका ऑफ हो चुका है। अब आप सिर्फ नीचे वाले पोर्शन को यूज कर सकते हो अपना सामान रखने के लिए, और ऊपर वाला बॉक्स आपका ऑफ हो गया, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी हो रही है। इसके बाद चौथा ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है वोकेशन मोड। वोकेशन मोड में क्या होता है, जब आपकी पूरी फैमिली बाहर होती है तो आपको फ्रिज बंद करके जाने की जरूरत नहीं है, उस टाइम में आप इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको, फ्रिज पार्ट को ऑफ कर सकते हो, और ऊपर वाले पार्ट को एज ए फ्रीजर छोड़ के जा सकते हो, जिसके अंदर आपके फ्रोजन फूड या फिर आइस के बॉक्स वगैरह वो आपके अंदर पड़े रहेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, जो फ्रिज वाला बटन है उसको आपने यहाँ पे अम्ब्रेला वाली जो ये आइकन बना हुआ है यहाँ तक लेके आना है। इसमें क्या है, आपका जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऑफ हो गया है। जब आपका आइकन यहाँ अम्ब्रेला पे होगा तो इसका मतलब है कि आपका नीचे वाला पोर्शन ऑफ हो चुका है। अब बात करते हैं हम इसके पांचवें मोड की, जो आखिरी मोड है, इसको बोलते हैं होम अलोन मोड, जब आप घर पे अकेले होते हैं। इसके अंदर आपको बड़े फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आप क्या कर सकते हो, नीचे वाले को आप ऑफ ही रहने दो, कहने का मतलब है इस अम्ब्रेला वाले आइकन पे ही रहने दें इसको, और जो आपका फ्रीजर वाला पार्ट है इसको आप कन्वर्ट करके रख सकते हो। उसके लिए आपने दोबारा बीच वाला जो बटन है उसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। इसमें क्या है, ऊपर वाला पार्ट आपका एज एक छोटा सा फ्रिज, 188 लीटर का एक छोटा सा फ्रिज बन गया है, और नीचे वाला आपका ऑफ हो गया है। इस तरह से आप इस फ्रिज को 5 तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब क्यों है, इसका कारण क्या है, इसके लिए सैमसंग ने अपनी नई टेक्नोलॉजी को यूज किया, जिसको हम बोलते हैं ट्विन कूलिंग प्लस। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी ने रेफ्रिजरेटर के अंदर 2 अलग अलग इवेपोरेटर दिए हुए हैं, जिसके अंदर क्या है, ऊपर वाले पोर्शन में अलग कूलिंग सिस्टम है, नीचे वाले पोर्शन के अंदर अलग से कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है, जिसके कारण इसका ना तो मॉइस्चर मिक्स होता, ना ही ऊपर की स्मेल नीचे, या फिर नीचे की स्मेल ऊपर, ऐसा कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना बैक साइड में कोई डक्ट नहीं है, जिसके थ्रू आपको 12 महीने बिल्कुल प्रॉपर कूलिंग मिलती है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। हम बात कर रहे थे ट्विन कूलिंग की। ट्विन कूलिंग को आप चेक करने का बहुत ही आसान तरीका, देखो ये जो टेक्नोलॉजी है किसी भी ब्रांड के अंदर नहीं है। बहुत से ब्रांड बोलते हैं कि हमारा भी कन्वर्टेबल है, 8-in-1 है, 5-in-1 है, और हमारा भी ट्विन कूलिंग है, ट्रिपल कूलिंग है, पर ऐसा नहीं है। इस चीज़ को चेक करने का बड़ा आसान तरीका है। इसमें जैसा कि 2 पोर्शन दिए हुए हैं,
अगर ये ट्विन कूलिंग के साथ है तो नीचे वाले पोर्शन का ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, या ऊपर वाले का नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसको चेक कैसे कर सकते हो, इसका एक पोर्शन आप बंद कर दो और दूसरे पोर्शन को अगर आप एकदम से जोर से प्रेस करोगे ना, तो नीचे वाली जो हवा अंदर एडजस्ट होगी वो ऊपर से क्रॉस करनी चाहिए अगर वो सिंगल कूलिंग के साथ है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये डबल कूलिंग के साथ है, इसमें जो ऊपर वाला डोर है ये खुलेगा नहीं क्योंकि एयर प्रेशर बनेगा नहीं, नीचे की हवा नीचे ही रहेगी। जैसे ये देखिए, आप देख रहे हो ये नहीं खुलेगा, मैं आपको इसको जोर से प्रेस कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा क्योंकि इसके अंदर डबल कूलिंग सिस्टम है। अब यही चीज़ मैं सैमसंग के ही दूसरे फ्रिज में दिखाता हूँ जिसके अंदर आपकी सिंगल कूलिंग सिस्टम है, मोनो कूलिंग उसको हम बोल सकते हैं। इस साइड अब ये देखिए, इसमें सिंगल कूलिंग सिस्टम है। जब आप इसको मैं जोर से प्रेस करूँगा, इसके अंदर डबल कूलिंग नहीं है। अब ये ऊपर वाला पोर्शन खुलेगा, देखो ये ऊपर वाला पोर्शन खुल रहा है, देखो। तो इस तरह से आप आराम से ट्विन कूलिंग को चेक कर सकते हो। अगर ऊपर वाला पोर्शन नहीं खुलता तो इसका मतलब डबल कूलिंग के साथ है। तो ये जैसे देखो, ये 3-in-1 है, वो 5-in-1 था, उसके अंदर डबल कूलिंग है, इसके अंदर सिंगल कूलिंग। इसी के साथ आपको इसके अंदर आइस कूल पैड भी मिल जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि कई बार जैसे आपके घर में लाइट नहीं है तो उस टाइम आप जो भी सामान इसके ऊपर रखोगे वो 12 घंटे तक ठंडा ही रहेगा। इसके साथ आपको ये मूवेबल आइस मेकर मिल जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि जब आप इसको आइस क्यूब्स की ज़रूरत है तो आप इसमें रख के आइस क्यूब जमा सकते हो, जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको निकाल के अपने डोंगे वगैरह वो कुछ भी आइस के बॉक्स वगैरह कुछ भी रख सकते हो। इसी के साथ डबल डोर फ्रिज लेने का एक और बेनिफिट है कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा आइस नहीं जमती। जो आप डोंगे रखते हो, जो आप आइस के बॉक्स रखते हो, उसके अंदर जो पानी है वही जमेगा, या आप फ्रोजन फूड वगैरह रखते हो तो उनके बाहर कोई अलग से बर्फ़ नहीं जमेगी, पानी वानी का झंझट नहीं है। उसके बाद इसके अंदर आपको डिओडराइजिंग फिल्टर मिल जाता है, ये पीछे बैक साइड में लगा हुआ है, देखिए। डिओडराइजिंग फिल्टर का बेनिफिट ये है कि आप जैसे कई बार 2-3 दिन फ्रिज नहीं खोलते तो उसकी स्मेल वगैरह पूरे फ्रिज में नहीं फैलेगी, और ना ही आपका फ्रिज के अंदर कोई ऐसा येलो सा हो जाता है, वो चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। इसी के साथ सैमसंग ने अपने फ्रिज के अंदर डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर आपको रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल आप अपने नीड के हिसाब से कर सकते हो। जिसके अंदर मान लो जैसे ही 324 लीटर का फ्रिज है, सामान आपने रखा है इसके अंदर 100 लीटर या 150 लीटर, तो ये उसी के हिसाब से अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को एडजस्ट कर लेता है। इसी के साथ कनेक्ट इन्वर्टर के साथ आता है, जिसके अंदर आप ये फ्रिज 2 CFL से भी कम लाइट खाता है, जिसके कारण आप इसको घर के सिंगल बैटरी के इन्वर्टर पर भी चला सकते हो, और कल को अगर आप सोलर प्लान करते हो तो सोलर इन्वर्टर पर भी आराम से चल जाएगा। इस फ्रिज को रन करने के लिए कोई भी आपको स्टेबलाइजर या वोल्टेज वगैरह की नीड नहीं होती। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिलता है, जिसके अंदर आपकी फ्लक्चुएशन वगैरह से भी प्रोटेक्शन रहती है, 100 से 300 वाट कंट्रोल भी करेगा। इसी के साथ 21 साल की इसके अंदर आपको मोटर की लाइफ मिल जाती है, जो कि एक VDE के द्वारा ट्रस्टेड है, टेस्ट किया हुआ है, जिसके अंदर आपकी इसकी लाइफ बहुत अच्छी मिलती है। इसके अलावा आपको और जो अलग से फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे 6 स्मार्ट सेंसर्स लगे हुए हैं इसके अंदर, जिसके थ्रू आपको ज़्यादा लॉन्ग लाइफ फ्रेशनेस मिलती है। 15 दिन के लिए आपके जो फ्रूट्स वगैरह वो फ्रेश रहते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी सेविंग काफ़ी अच्छी है। 70% तक आप एक्स्ट्रा इसके अंदर अपनी बिजली की बचत कर सकते हो। ये सारी चीज़ों के थ्रू सैमसंग जो है वर्ल्ड का सबसे टॉप ब्रांड है रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो आशा करता हूँ आपको ये रेफ्रिजरेटर बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको इसको परचेज करना तो आप samsung.com या फिर मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। थैंक यू।